गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास नाइन्थ के व्याकरण सब्जेक्ट का पहला चैप्टर उच्चारण स्थानी का अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थानी यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान, कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, कि हम सभी वर्णों का उच्चारण मुख से करते हैं, जिसमें कंठ, जिह्वा, तुला, मूर्धा, दंता, ओष्ठा एवं नासिका का योगदान होता है। इन उच्चारण स्थानों से पूर्व वर्णों के विषय में आवश्यक ज्ञान अपेक्षित है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि क, ख, ग आदि, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं, यानी वर्णों को हम अक्षर भी कह सकते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों के भेद, यानी वर्णों के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में वर्णों के दो भेद माने गए हैं, स्वर वर्ण जिन्हें अच भी कहते हैं और व्यंजन वर्ण जिन्हें कि हम हल भी कहते हैं। जैसे कि हम संधि में पढ़ते हैं अच वर्ण और हल वर्ण, स्वर जो होते हैं उनको हम अच कहते हैं और व्यंजन जिनको कि हम हल कहते हैं। स्वर जो वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं, कि नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। कि जो मूल रूप से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जिनके अंदर किसी भी अन्य शब्द का मेल नहीं होता है वह स्वर कहलाते हैं। स्वर 13 होते हैं, जो स्वर हैं वह 13 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, 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 ए, ए, ओ और औ। ये 13 प्रकार के स्वर होते हैं जो कि मूल होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। अब उच्चारण काल तथा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं, कि उच्चारण के आधार पर इनको 3 भागों के माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री और लृ। इनकी संख्या 5 है। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होते, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, यानी कि जो दुगनी तेजी के साथ बोले जाएं या हवा का वेग जिनमें ज़्यादा हो, अर्थात दो मात्राओं का समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और ए, औ। इनकी संख्या 8 होती है। जिनमें मात्राएँ नहीं होती उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनमें मात्राएं होती हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है, इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। लुप्त का ज्ञान करने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है, जैसे कि अ, ई, ई, ई और उ, री, री, ए, ओ, ए और औ। इनका वैदिक संस्कृत में इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? लुप्त स्वर। फिर आता है व्यंजन। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं होते हैं, कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वर के मदद से ही बनते हैं। स्वर प्लस व्यंजन मिलकर के व्यंजन बनता है, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है। तो व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्र काल है, यानी कि उसमें व्यंजन में से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो वो केवल आधा ही रह जाता है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जैसे अगर हमने किसी व्यंजन से स्वर निकाल दिया है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे हलंत लगा देंगे, ताकि जिससे ये ध्यान रहे कि इसमें से स्वर निकाल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर त है तो त में से अ को निकाल दिया गया है और यहाँ पर हलंत लगा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ये त क्या है, स्वर से रहित है, यानी कि आधा है। जैसे कि क, ख, ग, ड, ऊपर लिखे गए
ये सभी व्यंजन स्वर रहित हैं, यानी कि इन सभी के नीचे हलंत है तो ये सभी क्या हैं, स्वर से रहित है। इनके स्वर रहित रूप को समझने की दृष्टि से इनके इनमें हलंत का चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हल का चिन्ह हटा देते हैं। जब हम इनमें किसी स्वर को जोड़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये हलंत हटा देंगे। जैसे कि क प्लस अ, तो अब हमने पहले तो इसमें हलंत था अब और उसमें हमने स्वर मिक्स कर दिया है, तो अब ये क पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें से हलंत को हटा देंगे। व्यंजन के भेद उच्चारण के भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श व्यंजन, स्थल अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी व्यंजन के तीन भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क्याद्यो माँ वासना स्पर्श, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीहा मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है, वे स्पर्श संज्ञक व्यंजन कहलाते हैं। क में से अ पर्यंत व्यंजक स्पर्श संज्ञक है, इनकी संज्ञा 25 है जो निम्न 5 वर्गों में विभक्त है। तो इसमें जैसे कि क वर्ग, तो क ख ग घड़, च वर्ग तो ये हो गया च छ ज झ ण, ट वर्ग तो ट थ ड ण ण, त का हो जाएगा त थ द भ और न, प वर्ग इसमें हो जाएगा प फ ब म भ म। फिर हम अगला पढ़ेंगे अंतस्थ, यानी अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाए वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यणो अंतस्थ अर्थात यण, यर ल व अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, यर ल व, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाए वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे शल ऊष्म आदि, अर्थात शल मतलब श श श ह, ऊष्म संज्ञक व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। इसके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो दो व्यंजनों के मूल रूप से बनते हैं, जैसे कि क श, तो ये मिलकर के बनता है श त र, ये मिलकर बनता है त्र, ज और न ये मिलकर के बनता है ज्ञ। तो इस तरह से ये व्यंजन बनते हैं और ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 3 ही होते हैं, इनकी संख्या केवल 3 ही है, आर्योवाह वर्ण। अब अयोवाह वर्ण ये हो, इनको पढ़ेंगे स्वर, अनुस्वारस्य, स्वर के ऊपर दो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, यथा अयम गच्छति इयम गच्छति, यशान है प्लस शी है यशांशी। इन इसके अन्य उदाहरण हैं अंश है, अवतंस है, हंस है, धनुषी, व्रहितम, सिंहम, हिंसक आदि। अनुनासिक ण म ढ ण ण, ये 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं, इन्हें अर्ध अनुनासिक अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे चंद्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ यथा यहाँ वहाँ कहाँ वहाँ यहाँ 5 आदि, ये जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आता है विसर्ग, विसर्ग जो है स्वरों के आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है, इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है, यह र और स के स्थान पर भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि राम है, भानु है इत्यादि। जिहा मूलिका जिसका क ख, इसका प्रयोग क एवं ख से पहले किया जाता है, अर्थात क एवं ख के ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिहा मूल्य कहते हैं, जैसे कि क करोति, स खादति, उपधमानीय। इसका प्रयोग प एवं फ से प
पूर्व अर्ध विसर्ग के समान किया जाता है, जैसे कि क पची पचती वृक्ष फलती। क वर्ग से प वर्ग तक पांच वर्णों के प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा ऊष्म वर्ण को पुरुष व्यंजक और शेष वर्णों को कोमल व्यंजक कहते हैं। व्यंजनों के दो प्रकार हैं, अल्पप्राण तथा महाप्राण। पांच वर्णों के पहले और तीसरे वर्ण अल्पप्राण हैं तथा दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण हैं। वर्णों के पांच वर्ण अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थानानि संस्कृत वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 वर्ण हैं। इन सभी वर्णों के उच्चारण के लिए 8 स्थान हैं, जो ये हैं उर, कंठ, शीर, जिहा, मूल, दंत, नासिका, ओष्ठो, तालु। इन उच्चारण स्थानों का विभाजन निम्न रूप से किया जाता है। कंठ जो कि कहुना विसर्जनीया कंठ अर्थात अकार, क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ के उच्चारण किए कंठ से उच्चारण किए गए वर्णों को कंठस्य कहते हैं। तालु इचुष्यान तालु अर्थात ई और ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जीहा तालु का स्पर्श करती है। मूर्धा मूर्धा है ऋण टरु श्यामा मूर्धा अर्थात री री ट वर्ग जैसे कि ट ठ ड ण ण र और श का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। इन स्थान से उच्चारण वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इस स्थान से उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण जीहा मूर्धन्य तालु से भी ऊपर गहरे गड्ढे नुमा भाग का स्पर्श करते हैं। दंत लृत लतसानाम दंत अर्थात ल्र और त वर्ण त थ द ध न रि और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। उच्चार स्थान से उच्चारित वर्ण दंते कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने से जीहा दांतों का स्पर्श करती है। ओष्ठ उपोपधना पद्मानी ध्याना ओष्ठो अर्थात उ उ उ प और प वर्ग प फ ब भ म तथा उपध्यामानीय उच्चारण स्थान ओष्ठो होते हैं। यह वर्ण ओष्ठया कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओष्ठ आपस में ओष्ठ आपस में मिलते हैं, यानी कि दोनों होठ आपस में मिलते हैं उन और जिसमें होठ मिलते हैं उन्हें हम ओष्ठो कहते हैं। वह ओष्ठों से उच्चारित वर्ण होते हैं। नासिका न मंगड़ानाम नासिका च अर्थात न म ड ण और न तथा अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका है। इन स्थानों से उच्चारित वर्ण नासिका कहलाते हैं। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ण के अनुसार कंठादि उच्चारण स्थान भी होते हैं, जैसे कि क वर्ग के ड का उच्चारण स्थान तालु तथा नासिका, ट वर्ग के ण का मूर्धन्य और नासिका, त वर्ग के न का दंत और नासिका तथा प वर्ग के म का ओष्ठ और नासिका होता है। नासिका अनुस्वार अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका या नाक होता है। कंठ तालु है एतोद कंठ तालु अर्थात ए तथा ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, अतः यह वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। अ ई के संयोग से ए तथा ए ए के संयोग से बने से ए बनते बनता है, अतः ए तथा ए के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। कंठोष्ठ यानी कि दो दांतों कंठोष्ठ अर्थात ओ तथा ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अ प्लस ओ ओ तथा अ प्लस ओ ओ बनता है, अतः इनके उच्चारण से कंठ तथा ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जाता है। यह वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। दंतोष्ठ वकार से दंतोष्ठ अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इस प्रकार वह दंतोष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय जीहा दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं, अतः दोनों के संयोग से वकार का उच्चारण स्थान होता किया जाता है। जीहा मूल्य से अर्थात जीहा मूल्यम का उच्चारण स्थान जीहा मूल्यम होता
होता है। उपयुक्त वर्णाचारण स्थानों को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से सरलता से जाना जा सकता है। वर्ण उच्चारण स्थान तालिका, यानी कि ये जो है तालिका है, ये वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका है। इसमें स्थान दिए हुए हैं कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठो, नासिका, कंठ तालु, कंठ तालव्यो, दंत ओष्ठो, जीह मूल्यो। स्वर दिए हैं अ आ ई ई री ल ऊ ऊ ए ए ओ ओ। फिर यहाँ स्पर्श व्यंजन दिए हुए हैं क ख ग ण ड च छ ज ण ट ठ ड ढ ण त थ ध न प फ भ म ऋण ळण। फिर य र ल व, यह अंतस्थ वर्ण दिए हुए हैं। ऊष्म वर्ण दिए हुए हैं ह श ष, अयोवाह वर्ण दिए हुए हैं प फ और उपाध्याय मान है। क ख, फिर संज्ञा दी भी कंठ ताल, कंठ से तालव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, नासिका, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और जिहा मूल्य। फिर प्रत्याहार दिए हुए हैं इसमें।